इस सेक्शन में हम सीखेंगे टेंजेंट ऑफ स्लोप एम टू पैराबोला। तो हम यहाँ पर स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पैराबोला लेते हैं वाई स्क्वायर इक्वल टू फोर ए एक्स। ये पैराबोला कुछ इस टाइप का दिखता है। इस पैराबोला में एक पॉइंट ले लेते हैं ए, उसको हम टी मान लेते हैं। तो अगर हमने पैराबोला में टी पॉइंट लिया है, इसका मतलब होता है कि ये पॉइंट है ए टी स्क्वायर कॉमा टू ए टी। टी यहाँ पर पैरामीटर है, इसलिए इसको हम पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट बोलते हैं इस पैराबोला। तो इस पैरामेट्रिक पॉइंट पे तो अगर हम एक टेंजेंट ड्रॉ करें तो वो इस टाइप का दिखेगा। ये है टेंजेंट एट पॉइंट टी, और हम टेंजेंट का इक्वेशन टी इक्वल टू ज़ीरो से निकालते हैं। तो अगर टी इक्वल टू ज़ीरो कर दें तो हमें टेंजेंट का इक्वेशन मिल जाएगा। तो इस पैराबोला को हम लिख सकते हैं वाई स्क्वायर माइनस फोर ए एक्स इक्वल टू ज़ीरो, इसको हम एस मान लेते हैं। पैराबोला में हमने एक पॉइंट अज्यूम किया पॉइंट टी ए टी स्क्वायर कॉमा टू ए टी, इसको हम एक्स वन कॉमा वाई वन मान लेते हैं। तो इस पॉइंट में हम टी निकाल सकते हैं, और टी निकलता है वाई स्क्वायर की जगह वाई इंटू वाई वन कर दीजिए, प्लस जो एक्स का कोएफिशिएंट है उसको टू से डिवाइड कर दीजिए, और एक्स की जगह एक्स प्लस एक्स वन कर दीजिए। तो ये हमें मिलेगा वाई इंटू वाई वन माइनस टू ए एक्स प्लस एक्स वन, तो हमें टी मिल गया। तो अगर हम टी इक्वल टू ज़ीरो कर दें तो हमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट मिल जाएगा। तो जब हमने टी को ज़ीरो कर दिया तो हमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट मिल गया। तो अभी एक्स वन की जगह ए टी स्क्वायर डाल दीजिए और वाई वन की जगह टू ए टी डाल दीजिए, तो आपको ये इक्वेशन मिल जाएगा। तो इस इक्वेशन को जब टू ए से डिवाइड करेंगे तो ये दोनों टर्म कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा टी वाई इक्वल टू एक्स प्लस ए टी स्क्वायर। तो हमें टेंजेंट का इक्वेशन मिल गया पॉइंट टी पे। तो इसको याद कर लीजिए क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है टेंजेंट का। यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं y इक्वल टू वन बाई टी एक्स प्लस ए टी। तो अगर इसको हम y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से कंपेयर करें, ये उस लाइन का इक्वेशन है जिसका स्लोप m है और जिसका y इंटरसेप्ट c है। तो अगर इन दोनों कंपेयर करें तो हमें m की वैल्यू मिलेगी वन बाई टी एम की जगह वन बाई टी। तो यहाँ से आप टी निकाल सकते हैं, वो मिलेगा वन बाय एम। तो ये चीज़ भी आप याद रखिए, अगर टी पॉइंट पे टेंजेंट है तो उसका स्लोप वन बाय टी से हम निकाल सकते हैं, और सी की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी ए टी। तो सी हमें मिल गया ए टी। तो अब टी की जगह वन बाय एम डाल दीजिए तो मिल जाएगा ए इंटू वन बाय एम, तो सी मिल गया ए बाय एम। तो यहाँ हमें सी की वैल्यू मिल गया ए बाय एम। तो आप सी की वैल्यू यहाँ डाल दीजिए तो आपको एम स्लोप का टेंजेंट मिल जाएगा। तो हो जाएगा वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की जगह डाल दीजिए ए बाय एम। तो ये हमें टेंजेंट मिल गया, टेंजेंट ऑफ स्लोप एम टू दी पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू फोर ए एक्स। तो इस चीज़ को भी आप याद रखिए, अगर हमें पैराबोला दिया हुआ है तो उसका एम स्लोप का टेंजेंट हम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। तो अगर क्वेश्चन में एम की वैल्यू दी गई है तो आप ए यहाँ से निकाल लीजिए, एम और ए पुट कर दीजिए, तो आपको एम स्लोप का टेंजेंट डायरेक्टली मिल जाएगा इस इक्वेशन से, और एम की वैल्यू होती है वन बाय टी। तो हम स्लोप वन बाय टी से निकाल सकते हैं। तो ये चीज़ भी आप याद रखिए। तो अगर हमें पॉइंट दिया हुआ है टी के फॉर्म में तो स्लोप मिल जाएगा वन बाय टी से। तो अभी हमने सीखा कि अगर हमें पैराबोला इस फॉर्म में दिया हुआ है तो हम एम स्लोप का टेंजेंट निकाल सकते हैं वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस ए बाय एम से, जहाँ पर m की वैल्यू होती है 1 बाय टी। और अगर हम वर्टेक्स को शिफ्ट कर दें तो ये पैराबोला मिल जाएगा y माइनस के होल स्क्वायर इक्वल टू फोर ए एक्स माइनस एच। तो इस पैराबोला को हमने एच कॉमा के से शिफ्ट कर दिया, तो हमारा वर्टेक्स शिफ्ट हो गया 0,0 से एच कॉमा के में। तो हम इस पैराबोला का टेंजेंट निकाल सकते हैं y माइनस के इक्वल टू एम टाइम्स ऑफ एक्स माइनस एच प्लस ए बाय एम। तो अगर हमने पैराबोला को एच कॉमा के से शिफ्ट किया तो टेंजेंट भी शिफ्ट हो जाएगा एच कॉमा के से। तो हम इस पैराबोला का एम स्लोप का टेंजेंट इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। तो ये हो गया टेंजेंट ऑफ स्लोप एम इस पैराबोला का। यहाँ पर भी एम की वैल्यू
वन बाय टी। तो अगर हमें टेंजेंट का इक्वेशन निकालना आता है इस पैराबोला का, तो हम किसी भी पैराबोला का टेंजेंट निकाल सकते हैं उसको शिफ्ट करके। एक एग्जांपल कर लेते हैं। तो हमें एग्जांपल दिया हुआ है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ऑफ स्लोप 3/2 टू पैराबोला। एक पैराबोला का इक्वेशन दिया हुआ है। तो हमने अभी सीखा था कि अगर पैराबोला इस फॉर्म में है तो हम एम स्लोप का टेंजेंट निकालते हैं वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस ए बाय एम से, और यहाँ पर m की वैल्यू है 1/t। और अगर इस पैराबोला को हम h कॉमा k से शिफ्ट कर दें तो हमें मिलेगा y माइनस k होल स्क्वायर इक्वल टू 4ax माइनस h। तो इस पैराबोला का टेंजेंट हम निकाल सकते हैं इस टेंजेंट को h कॉमा k से शिफ्ट करके। तो हो जाएगा y माइनस k इक्वल टू m x माइनस h प्लस a बाय m, और यहाँ पर भी m की वैल्यू 1/t है। तो हमें क्वेश्चन में एक पैराबोला दिया हुआ है वाई स्क्वायर प्लस 3y माइनस एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0। तो अभी ये पैराबोला स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं इस टाइप का बना के। तो ये पैराबोला y में क्वाड्रेटिक है, तो हम अगर y के टर्म्स को परफेक्ट स्क्वायर बना दें तो इस टाइप में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं y स्क्वायर प्लस 3y। इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए y का जो कोफिशेंट है उसको आप 2 से डिवाइड कर दीजिए, उसको आप स्क्वायर कर दीजिए और सेम टर्म सब्ट्रैक्ट भी कर दीजिए। तो जो हमने ऐड किया वो हमने सब्ट्रैक्ट भी कर दिया, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ है माइनस एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन सेम है, ये दोनों कट जाएंगे तो यही क्वेश्चन मिल जाएगा। ऐसा करने से हमें तीनों टर्म परफेक्ट स्क्वायर में मिल जाएंगे। इन तीनों टर्म को हम लिख सकते हैं वाई प्लस 3/2 का होल स्क्वायर। इसको जब एक्सपांड करेंगे तो हमें तीनों टर्म मिल जाएंगे, और यहाँ पर आपको बचा माइनस 9/4 माइनस एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0। इन तीनों टर्म को आप राइट साइड भेज दीजिए तो आपको मिलेगा y प्लस 3/2 होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस 1/4। तो अभी आप देख सकते हैं कि हमने पैराबोला को इस फॉर्म में रिड्यूस कर लिया। तो यहाँ पर हम 1 मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इक्वेशन में। तो इसको जब इससे कंपेयर करेंगे, इसको लिखते पहले नीचे, तो हमें h की वैल्यू मिलेगी माइनस 1/4, k की वैल्यू मिलेगी माइनस 3/2, और 4a लिख सकते हैं 1 के बराबर। तो यहाँ से आपको a मिल जाएगा 1/4। तो आपको h पता है, आपको k पता है, आपको a पता है, और क्वेश्चन में आपको स्लोप भी दिया हुआ है, स्लोप दिया है 3/2। तो आपको m भी पता है, और इस पैराबोला का टेंजेंट था y माइनस k इक्वल टू m x माइनस एच प्लस a बाय m। तो यहाँ पर k, h, a और m के वैल्यूज डाल दीजिए सारे, तो आपको ये एक्सप्रेशन मिल जाएगा। यहाँ पर भी m की वैल्यू 3/2 डाल दीजिए, और जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमें ये इक्वेशन मिल जाएगा, और यही इक्वेशन रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है। तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, हमें आंसर मिल गया है।